बहुत समय पहले नर्मदा नदी के किनारे एक राज्य होता था। अब इस राज्य में कोई भी चप्पल नहीं पहनता था, ना राजा, ना रानी, ना मंत्री, ना प्रजा। तो एक दिन रानी घूमने निकली, उसके पैर में एक नुकीला सा पत्थर चुभ गया, खूब खून बहने लगा। वो वापस राजमहल आई, उसका इलाज हुआ। उसके दिमाग में आया कि भाई मैं तो आज निकली हूँ, आज मेरे पैर में पत्थर चुभा है, हमारी प्रजा को तो रोज पत्थर चुभता होगा। उसने एक सभा बुलाई और सभी ने अपने अपने समाधान देने शुरू किए। भाई किसी ने कहा कि हम सारे पत्थर एक एक करके चुन लेंगे, किसी ने कहा कि पूरे राज्य को रूई के नमदे से ढक देते हैं। इसी बीच एक बच्चा बोल पड़ा। अब वो क्या बोला इस पे बाद में आते हैं, पहले मैं आपको अपनी कुछ समस्याओं के बारे में बताता हूँ। यहाँ से कुछ ऊपर जाके एक गाँव है चड़ी। चड़ी में किसी ने एक गाय पाल रखी थी, उन्होंने उसके लिए एक छोटी सी गौशाला भी बना रखी थी। एक दिन उस गौशाला में आग लग गई और वो गाय बुरी तरह झुलस गई। अब उनका इतना सामर्थ्य था नहीं कि वो उसका खुद इलाज कर पाते, और हम यहाँ पे पालतू पशु रखते नहीं, तो हम निरंतर जाके 9 महीने से उसका इलाज कर रहे हैं। अब चड़ी से और ऊपर जाएं तो एक जगह आती है चील गाड़ी। चील गाड़ी में कुकी जंग बहादुर जी के साथ रहती है। कुकी एक गाय है जो जुलाई में हमारे आई थी, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा घाव था जिसमें मैगट्स। अब अधिकांश गाय तो जब ठीक हो जाती है हम उनको रिलीज कर देते हैं, पर कुकी की किस्मत की उसको जंग बहादुर जी ने अडॉप्ट कर लिया। अब कुकी के पास फैमिली के नाम पे हम लोग ही हैं, तो आज हम उसका हाल चाल पूछने जा रहे हैं। के सिंग में ब्रेक हो गया इसका, तो इसको काफ़ी ब्लीडिंग हो रही। दशहरे के 25 अक्टूबर की बात है ये, फिर हमने पकड़ ली थी ये, कवर कर रही थी ये, लेकिन उसके बाद मेरे एग्ज़ाम्स आ गए तो मैं चल गया कॉलेज, तो जिस कारण फिर इसका ट्रीटमेंट अधूरा रह गया और फिर पकड़ में नहीं आए। तो अब 1 मंथ से मैंने इसको पकड़ा हुआ, सर्जन ने देखा था तो ब्रेन ट्यूमर है, तो फिर इसकी सर्जरी नहीं हो पाएगी क्योंकि अंदर होल है ना, तो रिकवर नहीं होगा, और ब्लीडिंग हुई तो इसको खून नहीं दे पाएंगे हम। हम उस गाय का ऑपरेशन उसी वक्त नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत अनीमिक थी, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, और हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न अगर हम उसमें करते तो उसकी सारी न्यूट्रिशन जो है उस ट्यूमर को मिल जाती। जब वो गाय हमारे पास आई थी तभी हमें पता लग गया था कि इसके सर्वाइवल चांसेस बहुत कम है। अब हम तो बहुत खुशी खुशी आए थे ये सोचते हुए कि क्या कुकी हमें पहचानेगी या नहीं, पर ये तो हमारे दिमाग में भी नहीं आया था कि कुकी ठीक होगी भी या नहीं। अब क्या मैं इसके लिए किसको दोष दूं? सड़क पे जाते इससे बेहतर तो ये था कि किसी एक घर में आए, किसी एक घर में आके उन्होंने भी ध्यान रखा, उन्होंने भी घास वगैरह डाली इसको, अभी हो गई बीमार। तो अब देखते हैं कल अगर यहाँ से वेटनरी ऑफिसर आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हमारे डॉक्टर साहब आएंगे। पर अगर ये बीमार ना भी होती है, आप ठीक हो भी जाती है, फिर भी क्या? सर जी, एक तो मेरे को घोड़ा थे, शौक है, फिर बंदा रहेगा यहाँ आपके पास? जगह तो है नहीं। जगह तो है कहाँ, कुत्ता दिया आपको वो बंधा हुआ है, वो तो गाय दी आपको, गाय आप बांध के रखते हो 24 घंटे, घोड़ा देंगे घोड़ा बंदा रहेगा, मैं आ जाऊंगा आप तो मुझे भी बांध लोगे। घोड़ा तो जरूर है, पहले जगह का इंतजाम करो जहाँ जानवर खुला घूमे ना, जानवर भी इंसान की तरह आजादी पसंद है उसको अपने। तो है लेकिन अब उन्होंने भी बांध के रखा हुआ था पहले। पहले अब आप जैसे महात्मा गांधी जब पैदा हुए भारत में, तो भारत पहले से अंग्रेजों के अधीन था, उन्होंने तो ये नहीं कहा ना पहले से अधीन है, कोई बात नहीं हम भी अधीन रह लेंगे, ये थोड़ा आजादी किसी को प्रिय। ठीक है जंग बहादुर जी, थैंक यू। तो मेरी समस्या ये है कि कुकी आज ठीक हो भी जाती है तो 24 घंटे बंद ही रहेगी, ये ट्यूमर वाली गाय अगर ठीक हो भी जाती तो ये फिर सड़कों पे दर दर की ठोकरें खाने जाती जहाँ पे इसके मालिक ने दूध लेके इसको पहले छोड़ा था। जब ये जली हुई गाय पूरी तरह ठीक हो भी जाती है तो ये उन्हीं परिस्थितियों में है जहाँ पे इसका कोई दूध तो निकाल लेता है पर इसका पूरी तरह ध्यान रखने में सक्षम नहीं। इस समस्या के समाधान में लोग कहते हैं कि भाई हर जगह गौशालाएँ होनी चाहिए, गौवन होने चाहिए, पर ये कुछ ऐसी ही बात है कि आओ राज्य को रूई के नमदे से ढक देते हैं। तो जैसे वो छोटा बच्चा हंस के बोला कि भाई हम पूरे राज्य को रूई के नमदे से ढके, इससे बेहतर ये नहीं है कि हम लोग एक एक जोड़ी चप्पल पहन लें? तो जब हम लोगों को पता है कि ये सारी क्रूरता दूध के लिए हो रही है तो क्या हम दूध पीना छोड़ नहीं सकते, या छोड़ नहीं सकते तो क्या हम थोड़ा कम नहीं कर सकते?
है।